मलाणा से लौटने के बाद तोश पहुँचते पहुँचते रात हो गई। रात में घरों से निकलती रोशनी देखकर ऐसा लगा जैसे किसी एनिमेटेड मूवी का नज़ारा हो। रास्ते में एक इजरायली शख्स से मुलाकात भी हुई थी, तो कुछ पल इन महाशय के साथ भी बैठे। इसके बाद जमदग्नि ऋषि के मंदिर पहुँचे। यहाँ बच्चे अलाव के आसपास उछल कूद मचा रहे थे और पास ही एक परंपरागत पूजा हो रही थी। जमदग्नि ऋषि के मंदिर के पास का ये इलाका ही वास्तविक तोश गांव रहा है। हालांकि अब इस गांव का फैलाव बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसके बाद हमने लजीज खाना खाया। दोस्तों रात का 9 बजे हैं और हम लोग तोश में घूम रहे थे। रात के 9 बज चुके हैं और अभी तोश में हम लोग घूम रहे थे, तो हमें एक ढाबा दिखा, जसमीत ढाबा। हम यहाँ खाना खाने आए हैं, तो हमने एग करी, दाल, रोटी, चावल सब मंगाया है। दाल जो है इतनी टेस्टी है ना, दाल मतलब लाजवाब दाल बनी है, लाजवाब। ये टेस्ट दिल्ली में तो मिल ही नहीं सकता। भैया भैया आप दिल्ली से आए हो तो क्यों आएंगे, मतलब ऐसा क्या रहा कि दिल्ली छोड़ के यहाँ होटल खोल लिया? बस जी बताइए तो। तंग हो गए थे, पेरेंट्स रहे नहीं, इसलिए इधर। पेरेंट्स रहे नहीं तो यहाँ पे जमीन ली आपने? ये गिफ्टेड है मिसेस को। ओह अच्छा अच्छा, ओके। तो दिल्ली में आपने दिल्ली छोड़ दिया, और बच्चे कैसे पढ़ाई? बच्चे अभी कुल्लू में पढ़ रहे हैं, वही रहते हैं। ओके चलो बढ़िया। तो भैया दिल्ली में रहते थे दोस्तों, और दिल्ली छोड़ के यहाँ पे उन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया है, और बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट खोला है, बहुत स्वादिष्ट खाना मिल रहा है यहाँ, वेरी नाइस, आइए खाइए। और होटल में कमरा लेकर चल दिए नींद के आगोश में। सुबह आँख खुली तो नज़ारे देख कर हैरान रह गए। संकरी गली के जिस होटल में हमें कमरा मिला था, उसकी बालकनी से हमने इस नज़ारे को देखा, दिल बाग बाग हो उठा। सामने खपड़ैल वाले घर की चिमनी से निकलते धुएं ने खूबसूरती के साथ साथ हमारी सुबह की भूख को भी बढ़ा दिया था। जिस पहाड़ी को नीचे से देखकर हम बहुत खुश हो रहे थे, वो एकदम ठीक हमारे सामने है, और देखिए इतना खुश हूँ मैं, इतना हैप्पीनेस फील हो रहा है, गजब का भाव है दोस्तों, ये अद्भुत, अमेजिंग अमेजिंग है ये। अभी सुबह जो है वहाँ खाना बनना शुरू हो गया होगा, तो इसीलिए रसोई से धुआं निकल रहा है, और ख़ास तरीके से बनाते हैं ये लोग घर, ताकि जो बर्फ़ है उस बर्फबारी के दौरान घर जो है वो सलामत रहे। तो नहा धोकर हम फटाफट नाश्ते के लिए निकल पड़े तोश की सैर पर। गुड मॉर्निंग मुकेश भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब हम तोश के सफ़र पे जा रहे हैं, देखते हैं तोश में हमें क्या अच्छा मिलता है देखने को। वैसे गांव तो बहुत खूबसूरत है, सामने पहाड़, बर्फ़ की चादर एकदम, और मज़ा आ रहा है। अच्छी सुबह नहा धो कल रात को क्या एक्सपीरियंस था जब यहाँ पहुँचे थे संजय भाई? मैं तो थोड़ा सा असमंजस में था कि रात को हम लोग 8 बजे यहाँ घुसे थे गांव में, साढ़े आठ बज चुके थे, और मेरे को लगा पता नहीं होटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट भगवान की कृपा थी होटल मिल गया ठीक से। हम लोगों ने फिर रात को भी थोड़ा घूमा, थोड़े लोगों से मिले, खाना वाना खाया, बहुत टेस्टी खाना था यहाँ का। और अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा तोश को घूमने, दिखाने आप लोगों को नज़ारे, दिखाते हैं आपको तोश के कैसा है कैसा नहीं। लेकिन संजय सुबह सुबह अभी बहुत लोग यहाँ है, जैसे रात को यहाँ चहल पहल थी, बहुत लोग थे, अभी नहीं है। मेरे को लग रहा है कि लोग अपने अपने कामों में होंगे। नहीं कामों में नहीं, एक्चुअली क्या है कि लोग अभी सो के उठे भी नहीं, देर रात पार्टी के बाद लोग लेट से उठे, लोग तो उठ ही जाते हैं खैर। लोकल का कुछ नहीं सकते, कुछ सो रहे होंगे, कुछ काम में लगे होंगे। तोश गांव की इस सैर पर हमारा पहला पड़ाव था एक छोटी सी दुकान। यहाँ हमें मिले एक बुजुर्ग शख्स और सरकारी नौकरी से रिटायर एक शख्स। इन शख्स ने हमें तोश की एक छोटी सी कहानी भी बता दी। हमारे साथ सर है, सर नाम आपका? सोना मांगचू नाम है, और सर लेकिन रहते हैं भुंतर में, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, यहाँ से 69, यहाँ से 69 मतलब 70 किलोमीटर दूर भुंतर है, और भुंतर से यहाँ पे आते हैं अपने जो पूर्वजों की जो जमीन है उसको देखने के लिए। और ये सर बताएं हमें क्या बताने जा रहे हैं आप? एक गांव के बारे में पूछ रहे हैं ना, ये सबसे लास्ट गांव है कुल्लू मणिकन वैली का, तोश गांव। इसका अगर ऊपर जो हम कुटला जहाँ लैंड है, कुटला मीन्स डोगरी टाइप में, पहले क्या होता था कि हमारे बुजुर्ग जो भेड़ बकरियों के साथ गर्मियों में ऊपर जाते थे, सर्दियों में नीचे जाते थे। समय के साथ भेड़ बकरी वो खत्म डिस्पोज ऑफ हो गए, लोगों ने दूसरी पढ़ाई या दूसरी चीज़ें शुरू कर दी, कुछ लोग जॉब में चले गए, कुछ इस तरह आगे से आगे बढ़ते गए। यहाँ पहले सड़क नहीं होती थी, 2000 तक मणिकल से 19 किलोमीटर है, वहाँ से पैदल आते जाते थे।
फिर बाद में ये NHPC वाले आए, इन्होंने प्रोजेक्ट के लिए पार्वती डैम वाला शुरू हुआ जी, तो इन्होंने फिर सड़क का काम शुरू किया। ये सड़क NHPC वालों ने बनाई है और अभी तक वही मेंटेन कर रहे हैं। तो सड़क तो इस वजह से थोड़ी बहुत खराब इसलिए क्योंकि उनका प्रोजेक्ट अब कंप्लीट होने जा रहा है, वो लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे। ये गांव पहले बिल्कुल पुराना होता था, छत पत्थर के होते थे, स्लेट होते थे, नीचे दिखा हमने। 2001 में आग लग गई, वो मैक्सिमम मकान जल गए। उसके बाद भी लोगों ने कुछ ऐसे ही छोटे मोटे मकान बनाए, बट बाद में जब रास्ता खुलने के बाद जब थोड़ा सा टूरिज्म हुआ, टूरिज्म ऑफ डिफरेंट टाइप के टूरिज्म शुरू हुए और ऑल ऑफ सडन फॉरनर के बजाय अब जो है इंडियन लोगों का ज्यादा इन्फ्लक्स हो गया, तो उससे यहाँ की इकोनॉमी में भी बड़ा फर्क पड़ा। लोगों की इनकम बढ़ गए और बाहर के बहुत से लोग आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी। अब तो गांव नहीं, आप देख ही रहे हैं शहर क्या गांव के बीच एक शहर है। हाँ जी, सब कुछ अब सारी कुछ हो गई, बिजली यहाँ पहुंच गई है, सड़क जैसा भी है सड़क भी पहुंच ही गई है। हाँ, की सड़क की हालत ठीक नहीं है। अब तो यहाँ एक प्राइमरी स्कूल भी खुल गया, अब वो अपग्रेड भी कर दिया ना मिडिल स्कूल, तो हाई स्कूल बरसैनी है, नियरेस्ट मार्केट जो बरसैनी कहो या मनकन कहो, बस ये है। और यहाँ पर एज ऑन टुडे पहले इजरायली ज़्यादा आते थे, अब वो लोग घट गए। अब तो यंग जनरेशन और इंडियन टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं किसी खास काम के लिए। खैर, दिल्ली बम्बई साउथ में चलने के लोग मिले मुझे साउथ के, नहीं काफी लोग आ रहे हैं, इवन बहुत से तो ट्रैकिंग के लिए भी आते हैं। अगर आप इस तरफ से क्रॉस करें ना जी, परली तरफ पिन वैली क्रॉस कर जाते हैं आप, नीचे से अगर नखथान वाले रास्ते से खीरगंगा तो भी आप परली तरफ पिन वैली जाते हैं। पिन वैली से पीछे हाँ स्पीति, स्पीति हाँ लाहौल स्पीति का स्पीति बात, अगर यहाँ से जाए तो परे पिन वैली, अगर आप थोड़ा दूसरी तरफ जाए तो लाहौल वैली जी है ना जी। ये मगर गांव लास्ट यही है, परली तरफ दूसरा ये जी जी, इस घाट का ही गांव है, इस पावती वाली तरफ से ये आखिरी गांव हो जाता है। हाँ, इसके बाद जैसे खीरगंगा है तो उसके आसपास कोई गांव नहीं है। नहीं नहीं, खीरगंगा से पहले ये खीरगंगा से पहले नखथान है ना लास्ट गांव। अच्छा, आगे खीरगंगा तो एक आखिरी गांव तोश हुआ, इस तरफ तोश और उस तरफ नखथान। हां, को नुकसान हुआ यहां तोश हुआ, फिर आगे कोई नहीं है। अच्छा, एक चीज और है कि ये जो जमीनें हैं समझने के खरीद सकते हैं लोग बाहर के लोग या नहीं? हिमाचल में जो है लैंड रिफॉर्म्स एक्ट एप्लीकेबल है, बहुत बढ़िया, जिसमें कोई भी लैंड खरीद नहीं सकते एग्रीकल्चरिस्ट, वेरी नाइस। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिलती है सेक्शन 118 के तहत जी, है ना जी। और नॉर्मली गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर पर्पज के लिए अलाउ नहीं करती है, मगर कोई होटल सेटअप करना हो, इंडस्ट्री सेटअप करना हो, उसके लिए गवर्नमेंट अलाउ करती है। उसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक इंडस्ट्री पर्पस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, कहने का मतलब एक प्लेटफॉर्म पर मैक्सिमम सुविधा है जी। तो 118 के तहत हमारे यहाँ परमिशन मिलती है, मगर 99% जो परमिशन है वो इंडस्ट्री टूरिज्म पर्पज के लिए है, दूसरे पर्पज के लिए। तो लीज पर मिलता है, लोग खरीद सकते हैं? नहीं नहीं, वो इंडस्ट्री के लिए तो खरीद सकते हैं जी, जी। हाँ, पर उसी पर्पज के लिए परमिशन मिलेगी और उसी पर्पज के लिए कुछ और नहीं कर सकते आप। और ये जो होटल से सब लीज पर या खरीदे गए क्या जी? ये जो होटल से यहाँ पर है, नहीं लोगों ने परमिशन भी ली होंगी, मुझे मालूम नहीं किस जी, जी, मगर जिन बाहर जो दूसरी स्टेटों से बाहर से जो एंटरप्रेन्योर आए होंगे उन्होंने 118 में परमिशन ली होगी, लीज भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, गवर्नमेंट देती है ऐसी बात नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इंटरव्यू के लिए, बहुत अच्छा रहा, बहुत इन्फॉर्मेटिव बात बताई आपने और सर ने, आपने दोनों लोगों ने, बहुत थैंक यू सो मच। बातचीत के बाद इन्होंने हमें ऑफर किया कि हम इनके साथ साथ तोश वाटरफॉल तक चलें। हम ये मौका भी कहाँ छोड़ने वाले थे, अब हम 2 से 3 हो चुके थे। अंकल जी ने हमें रास्ते में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सड़क, घरों और फसलों की जानकारी दी। वो हमें इस गांव की और यहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में भी बताते रहे। हम जो भेड़ बकरी लेके आते थे अपनी, वो यहाँ रहा करते थे, इस घर में रुक जाते थे वो लोग रात के लिए, और ये यहाँ के लोकल पुराने घर है। वो भी सब गांव यही है इसी, ये सब बाद में बसे हुए। अच्छा, अलग अलग बना लिए। हाँ,
एक पुराना मकान है देखो सामने ना, छत से लग रहा है ऊपर है ना, दिख रहा है ना, हाँ, ये पुराना, बाकी सब ये सब नए बने हुए हैं, बाहर के लोगों ने लीज पर लेके बनवा लिए। हाँ, कुछ लोकल भी है पर मेजोरिटी बाहर से है। सर यहाँ बाहर के लोग कैसे पहुँचते होंगे, एकदम बहुत टाइम टेकिंग है, मतलब बहुत नहीं तक तो आ जाते हैं पार्वती प्रोजेक्ट जैसे डैम बन रहा है ना, डैम मेन डैम प्रोजेक्ट वो है पार्वती का, वहाँ से 36 किलोमीटर टनल है, आप रास्ते में ऑट में एक टनल से गुजरे होंगे, उसके पीछे वहाँ वो टनल पानी वहाँ पर पीछे सैंज नाले पे निकलेगा, एक प्रोजेक्ट वहाँ बनेगा, सेकंड आगे बन गया है। अच्छा बिजली के लिए पूरा सर, बिजली बिजली बनाने के लिए, ये तो छोटे मिनी माइक्रो है, 5-5, 7-7, 8-8 कुत्ते बड़े शरीफ हैं यहाँ के बहुत प्यारे डॉग्स हैं। नहीं नहीं शरीफ हो गए क्योंकि अब इतने लोग आ रहे हैं, किस किस पे मौके, सब तो टूरिस्ट बाहर के लोग हैं। हम कल एक घर में गए थे सर, वो रेस्टोरेंट उनका वही हमें लेके गए थे, तो उनके घर में हम गए थे बैठे ऐसे अंदर, ये घर का डॉगी था, उनमें देख के हमारे पास आके बैठ गया प्यार से, मैंने बोला यार दिल्ली में तो लोग कुत्ते भागना शुरू कर देते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं ज्वारा। अच्छा कहने का मतलब गांव वाले इकट्ठे हो जाएंगे आज मेरे खेत, अच्छा जोतेंगे खोद के, ओके मिल गया आपके, हाँ मिल के करते हैं इस तरह। ग्रेट सर, अरे वो कैंप्स में देख रहा हूँ उधर, कैंपिंग में ये ऊपर का एक घर, हाँ ये नीचे का दूसरा घर, ये इस तरफ है दो, एक पार तीन, अच्छा वो और ये वाला, हाँ बाकी ये तीन घर होते थे, आज देखो यहाँ कुछ 50 घर बन गए, ये सब ड्यू टू टूरिज्म या टूरिस्ट की वजह से, नहीं तो गाँव वहाँ पर जहाँ देवते का मंदिर था। वैसे तो उनके हिसाब से ये ट्रैक 2-3 किलोमीटर का ही था, लेकिन वाटरफॉल तक के इस छोटे से ट्रैक ने हमारी हालत पतली कर दी थी। हाँ जब सामने वाटरफॉल दिखा तब इसकी खूबसूरती ने फिर से हमारे अंदर जोश भर दिया। ये देखिए वाटरफॉल है जो काफ़ी आगे है तोश गांव के, और हमें जो 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 भाई साहब हमें यहाँ लेके आए उनके खेत हैं पहाड़ी के उस छोर के दूसरी साइड, तो खेतों को देखने आए थे। हमें पीछे दुकान पर जो बुज़ुर्ग अंकल दिखे थे वो भी पीछे पीछे छोटे छोटे कदमों से यहाँ पहुँच गए थे, हालांकि वो दोनों शख्स हमसे कुटला चलने के लिए कहने लगे, लेकिन वक्त की कमी से हम ऐसा नहीं कर सके। अगर आपको वक्त मिले तो कुटला ज़रूर जाइएगा, काफ़ी तारीफ सुनी है हमने इनके मुँह से वहाँ की। दोस्तों ये टोश से आगे एक ट्रैक है, और उस ट्रैक के आगे जाकर ये एक वाटरफॉल पड़ता है, बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, आप देखिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कैफेज़ खुले हुए हैं, पानी के बीच में पानी के अंदर जो है वो कुर्सियाँ रखी हुई हैं, तो लोग यहाँ बैठकर एंजॉय करते हैं, और हमने तो देखा कि वहाँ देखिए कोल्ड ड्रिंक्स भी रखी हुई हैं पानी के अंदर ही ठंडा करने के लिए। तो यहाँ से जब ब्रिज को जो छोटा सा ब्रिज है उसको पार करते हैं तो आपको कुटला के लिए एक रास्ता मिलता है। कुटला वही जगह है जहाँ हमारे जो साथ जो लोग आए थे भाई साहब वो अपने खेतों की देखभाल करने के लिए गए हैं अभी, तो यहीं से रास्ता उसका 40 मिनट लगते हैं उन कुटला पहुँचने में। तो ये है एक ट्रैक जो टोश से आगे है, लोग अक्सर लोग जो आते हैं वो टोश में ही रहते हैं, वहीं पार्टी करते हैं, वहीं इंजॉय करते हैं, बट टोश जो गाँव है वो बहुत बड़ा गाँव हो चुका है और उसके आगे बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें हैं देखने के लिए करने के लिए। दोस्तों देखिए पहाड़ों पे कितनी मुश्किल से सामान पहुंचता है, और ये तो अंतिम छोर है इस टोश गांव से आगे का, तो कितनी मुश्किल से लोग सामान लेके आते हैं, और बहुत ही जो यहाँ लेबर कॉस्ट होती है बहुत ही महंगी हो जाती है, इस वजह से आपको चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं, चाय हो गया मैगी हो गया बहुत महंगा मिलता है यह सब। दोस्तों टोश गाँव जो है वो पार्वती वैली का पीक पॉइंट है, पार्वती वैली का सबसे आखिरी गाँव वो कहते हैं इस गाँव को, और टोश की जो पहचान है वो पार्टी प्लेस के रूप में ज़्यादा है, लोग यहाँ पार्टी करने आते हैं इन्जॉय करते हैं, और यहाँ इसराइलीज और इटालियंस का थोड़ा सा आपको एक जो उनकी संख्या है वो दिख सकती है। लेकिन क्या टोश के आगे भी कुछ है, तो आइए आज हम आपको दिखाने आए हैं कि टोश के आगे क्या है। टोश जो गांव है वो तो पार्टी प्लेस है, लेकिन उसके आगे भी एक दुनिया है।
और वो जो दुनिया है वो हमें लेके आती है इस मिडवे पर, जो कुटला कुटला पहाड़ी के उस तरफ है और जो टोश का जो मिड पॉइंट है। और इस मिडवे में एक आपको वाटरफॉल मिलता है, जो वाटरफॉल है टोश वाटरफॉल। अगर आप यहाँ पे आते हैं टोश गांव से निकल के, एक अच्छा खासा ट्रैक है, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है। आपको यहाँ पे एप्पल के ट्रीज दिखते हैं, आपको सरसों के खेत दिखते हैं, राजमा के खेत दिखते हैं। तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो यू कैन कैंप हियर, आप यहाँ कैंप भी कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे कॉस्ट में कैंपिंग के ऑप्शंस अवेलेबल है और जो कॉस्ट है फूड का वो भी काफ़ी ठीक ठाक है। अमेजिंग व्यू दोस्तों, गजब का व्यू। संजय, आपका एक्सपीरियंस क्या है एज कम्पेयर टू जिस वाटरफॉल, जो ये वाटरफॉल है और जो टोश गाँव है, तो आप किसी को प्रेफर करेंगे इन दोनों में से? यार मुकेश, हम जब नीचे थे, जब जहाँ पर हम लोगों ने होटल ले रखा है वहाँ जो अपना होटल है, तो वहाँ थोड़ा क्राउड ज़्यादा है, वहाँ थोड़ा रश ज़्यादा है। मतलब कैफे तो है बट रश थोड़ा ज़्यादा है। तो उसके कंपेयर, उससे अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ वाली सिचुएशन को, तो जब आप तोश से, गांव से, विलेज से होते होते जब आप ऊपर आते हैं तो यहाँ का तो नज़ारा ही अलग है, यहाँ की शांति ही अलग है। और यहाँ जो मुझे मज़ा आ रहा है वो, मतलब अगर आप अपने यार दोस्तों के साथ सिर्फ पीस के लिए आ रहे हैं, सिर्फ शांति के लिए कुछ टाइम बिताना चाह रहे हैं दिल्ली के शोर शराबे से दूर, तो ये जगह बहुत अच्छी है। वहाँ थोड़ा कैफेज है लेकिन वहाँ रश है, शोर है, उतना बहुत कंजस्टेड हो चुका है। यहाँ नेचर है, खुला है, वादियाँ भी है, नदी भी है, नदी के बीच में उन्होंने टेबल लगाए हुए हैं तो आप खाने का आनंद ले सकते हैं, आराम से नदी में पैर डाल के बैठ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, टेंट है, टेंट में आप रह सकते हैं। एक अच्छी बात क्या है यहाँ की, मैंने अभी जो यहाँ के टेंट के ओनर हैं उनसे बात की है, तो ये पता चला है कि अगर ये जगह खाली रहती है और अगर आप अपना खुद का टेंट लाते हैं तो आप अपना खुद का भी कैंपिंग कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर आप खुद का कैंपिंग कर रहे हैं, हाँ बस थोड़ा सा जो कॉस्टिंग आपकी पड़ेगी वो टेंटों की कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। अगर आप उसको, अगर आप उस टेंट के कॉस्टिंग को मैनेज कर सकते हैं और अपने टेंट ला सकते हैं, और अगर आपको खाली जगह मिल रही है तो इससे बेहतर कुछ नहीं। और अब बारी थी हमारे कृषि एक्सपर्ट बनने की। दोस्तों, हम लोग तोश गांव में हैं और तोश गांव में जो यहाँ के लोग खेती करते हैं उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फार्मिंग है वो राजमा की खेती ये लोग करते हैं। तो हमें यहाँ के लोकल जो घर हैं, लोकल लोग हैं जो फार्मिंग करते हैं, वो लोग मिले हैं और ये राजमा की खेती बहुत फेमस है यहाँ पे। मेन है ये वाइट राजमा जो है और फिर ये ब्राउन। तो दीदी हमें ये बताएं कि इसको क्या बोलते हैं, वाइट वाले को राजमा है, ये भी राजमा, इसको भी दोनों ये राजमा। तो नहीं, कलर अलग है तो कुछ नाम भी अलग होंगे इनके। दोनों को बोलते हैं हम राजमा, ये सफेद वाला, ये लाल वाला। लाल वाला, लेकिन इसमें सफेद में जो लाल मिला हुआ है इसको भी? ये भी इसमें से ही ना, वैसे सफेद होती है ये। तो ये मिल गई है या फिर ये सब कलर? ये मिल गई है, ये मिल गई, ऐसे मिल गई है, कलर नहीं होता है। मतलब ये बन गई है वाइट राजमा, बाद में वैसी बन गई है। कितने तरह के राजमा उगाते हो आप लोग? यही होती है, ये दो तरह की होती है। अच्छा, और खेती क्या ऊपर होती है यहीं पे कहीं होती है? यहीं पे, नीचे यहाँ ये खेत देखिए। अच्छा। नीचे है, कोई ऊपर है। अच्छा। कोई इधर को है, गांव से परे मिलेंगे आपको। जैसे मैं सुनता हूँ पहाड़ों पे पानी तो मिलता नहीं है, तो आप लोग कैसे पानी कैसे करते हो, कैसे सिंचाई कैसे करते हो? पानी होता है खुद, बारिश आती है या होती है, बारिश बर्फ वाला जो पानी होता है, बर्फ से ही पहले से ही होती है सब। अच्छा, पानी की जरूरत नहीं होती उतना, और बारिश आती है यहाँ पर जल्दी जल्दी। अच्छा, तो ये बताइए कि ये कहाँ बेचते हैं आप लोग, कितने के लिए? बेचते नहीं हम, ये खुद के लिए होती है। दिखने में ये छोटा होता नहीं, ये सफेद वाला खाने में ये सबसे अच्छा होता है, टेस्टी होता है। अच्छा, ये टेस्टी होता है। तो कौन से सीजन में लगाते हैं आप इसको? अभी बस अभी हम खुद रहे हैं ना, अप्रैल में। अच्छा, तो मई में हम, वो बाद में हम बीज डालेंगे इसमें, तब निराई करते हैं। तोश में इतनी सारी चीजें हैं जो चीजें लोग कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं लोग यहाँ के लोग, गाय में देख रहा हूँ। और राजमा, राजमा के अलावा क्या क्या उगाते हैं आप? यहाँ होता है गेहूँ होते हैं। अच्छा, और जौ होते हैं, मक्की होती है। लेकिन गेहूँ और जौ तो घर के लिए होता होगा आप लोगों के लिए? हाँ, आप बेच नहीं पाते होंगे? मक्की भी नहीं हम बेचते हैं घर के लिए। खेती बहुत बड़ी नहीं है यहाँ पे ना? उतना नहीं है, बगीचे है, सेब के बगीचे होते हैं यहाँ। सेब आपका बगीचे है? सेब के कहाँ है वो? तो दिख रहे हैं ऊपरली साइड है, कोई आगे है, ये भी है सेब की पेड़ यहाँ वाली। तो सेब आप लोग बेचते हो या घर में? ये बेचते हैं हम। तो सेब, सेब का सीजन कैसे होता है, कब लगेगा, अभी इस पे फूल और फल कब आएंगे? बस अभी लगने वाले है फूल। अच्छा, अप्रैल में फूल लग जाएंगे। और तुड़ाई कब होगी फिर इनकी? तुड़ाई तो होगी बाद में, जैसे होती है तुड़ाई तो मई, मई जून या मई जून में नहीं, तो क्या बोलते हैं वो बरसात का मौसम तो होता है, अगस्त 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 सितंबर। अच्छा, बाकी ठंड में तो यहाँ बड़ी दिक्कत होती है, जब बर्फ पड़ती होगी तो बर्फ पड़ती, कैसे काम करते कैसे करते हैं आप? तब हम कुछ काम नहीं, घर में बैठते हैं बस, लकड़ी इकट्ठा करके रखते हैं, जला के बैठा के बस खाया पिया घर में रहे, बैठो। टूरिस्ट तो बढ़ जाते हैं उस टाइम, टूरिस्ट बहुत आते हैं।
अगर रोड होगा तो तब ना, अगर ज्यादा बर्फ तब नहीं होते। जी जी अच्छा ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच। और अब मलाना वाले जमदग्नि ऋषि के मंदिर की बारी थी। जैसे हम तोष में रुके थे तो जैसे हमारे होटल के नीचे ये जमदग्नि देव जी का मंदिर है, वैसे तो जमदग्नि ऋषि है तो यहाँ पर भी उन्हीं का मंदिर है जिनका मंदिर हमने मलाना में देखा था। और सेम चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी उतना ही फाइन, मतलब फाइन का प्रावधान यहाँ पर भी है कि अगर आप अपने मंदिर छू लिया तो फाइन देना पड़ सकता है। दोस्तों एक जो अहम चीज़ है इस मंदिर के जो आसपास जो जो बने हुए घर हैं उनके बारे में, कि पहले जो तोश गांव था वो यहीं था, यही तोश गांव था, ये मंदिर और आसपास जो घर बने हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा संजय से, संजय दिखाएं एक बार, ये पुराने घर बने हुए हैं, ये जो आर्किटेक्चर है पुराने घरों का है, ये पुराना घर है, ये पुराना घर है, पीछे देखिए संजय उधर दिखाइए, सब पुराने घर बने हुए हैं। तो जो तोश गांव था वो पहले यहीं तक था, यहीं यही इसकी जो परिधि थी, सीमा थी यही थी, लेकिन अब क्योंकि वो बहुत एक्सटेंड हो चुका है तोश गांव, तो अब तो वो मिड वे जहाँ हम लोग गए थे अभी वहाँ तक पहुँच चुका है, तो वहाँ भी लोगों ने, बाहर के लोगों ने घर बना दिए हैं। अब जो नए घर बन रहे हैं वो उस शैली के बन रहे हैं, देखिए उस शैली के बन रहे हैं। और ये जो जो आपने टीन, ग्रीन टीन आप देख रहे हैं, ये देखिए वो भी नई, वही शैली है बेसिकली यहाँ की, अब जो नई वाली है तो ये चेंज आया है, लेकिन पहले जो जो पुराना तोश गांव है वो यही, वो यहीं तक हुआ करता था। जब आग लगी थी, जो मैं बताया गया, उन्होंने बताया कि आग लगी थी 2001 हाँ 2001 में, और लोगों के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं हुआ करता था, बट अब इनकम का सोर्स भी हो गया है और अब तो टूरिस्ट से यहाँ भरमार रहती टूरिस्ट की। तो एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ तोश को लेकर। तो अब हम लोग नाश्ता करने के लिए आ चुके हैं उसी ढाबे पे जिस पर कल हम लोगों ने डिनर किया था, और ये आ गया है हमारा नाश्ता पराठी। मुकेश बॉय बस बटर लगा लो यार, अभी तो हमें बटर लग रहा है, लेट हो रहे हम लोग नाश्ता करके, हमें भागना है मणिकर्ण पहुंचना है, और आप जानते ही कई बहुत ये लॉन्ग वीकेंड था इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे, और कल हमें फिर से दिल्ली पहुंचना है, सुबह हमें रीच करना है दिल्ली को किसी। बाबा दिल्ली तो तब पहुंचेंगे ना जब विपिन भाई और वासु का फोन लगेगा। मणिकर्ण में है, हम चार घंटे से फोन ट्राई कर रहे हैं, हम लोग गंगा में वो लोग गए हुए ट्रैक के लिए, हम लोग सुबह से उनका फोन ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनका कोई, हम लोग तोश कर आए, तोश के ऊपर आखिरी गाँव होकर आ गए, नाश्ता करने वाले हैं, टिकट भी नहीं हुई है, बस की टिकट नहीं हुई है, वापस भी जाना है, विपिन भाई और वासु का फोन नहीं लग रहा है। सो यही प्राथमिक पाठशाला है तोश की, जिला कुल्लू है, और यहाँ पर जो गांव के बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं। कई सुनहरी यादों के साथ तोश का ये सफ़र पूरा हो चला था। दिल को तसल्ली थी कि हमने रात को 8:30 बजे यहाँ पहुँचने के बाद सुबह 11 बजे तक के छोटे से टाइम फ्रेम में अपने मकसद को पूरा कर लिया था। यहाँ सड़क थोड़ी ख़राब है इसलिए अगर आप यहाँ आएँ तो दिन के उजाले में ही पहुँच जाएँ। इस गांव से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। दोस्तों तोश का हमारा जो सफ़र है वो पूरा हुआ, सुबह उठ के हमने विलेज टूर किया, हम जो वाटरफॉल है वहां तक गए, और फिर हम जब लौट रहे थे हमने अपना ब्रेकफास्ट भी किया है, और फिर हम लोग अभी जा रहे हैं बरशानी के लिए। बरशानी के लिए हमें यहाँ से टैक्सी मिलेगी और वहाँ से हम लोग बस से जाएंगे मणिकर्ण। मणिकर्ण में कुछ देर रहने के बाद हम शाम को अपनी बस लेंगे कसौल के लिए। तोश का ये सफ़र आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमने बहुत मेहनत की इस वीडियो के लिए, और हम जो असली कहानी है तोश गाँव की वो हम आपके लिए लेके आए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।